हेलो दोस्तों, मैं एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। मैथ की पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चनों को लगभग आप लोग को हल करवा दिया था बच्चों सरलीकरण के। आज हम पढ़ेंगे उनके अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चंस को मैं आप लोग को 5 टाइपों में लेके आया हुआ हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल किसी भी तरह का क्वेश्चन न रह जाए। इसके लिए आज मैं आप लोग को 5 टाइपों में पढ़ाने वाला हूँ, 5 टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा ताकि आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप बने रहिए इसी तरह हमारे इस वीडियो, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो के अंत में मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी आप लोग को देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और पहले टाइप से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक चीज आप लोग को मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों, ए मान लीजिए फर्स्ट टाइप का है। किस टाइप का है बच्चों? टाइप वन है, ठीक है। ये टाइप वन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल किए जाते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हमने लिखा है √2 + √2 + √2, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है डैश 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 इनफिनिटी तक। और यहाँ पे इसके कितने ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में 2 है, बी में 1 है, और सी में 0 है, डी में 25 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए, जब देखिएगा प्लस में है और प्लस के साथ साथ यहाँ पे इन्फिनिटिव में है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उन नंबर का आप फैक्टर कर लीजिए। नंबर क्या है? एक ही नंबर है बच्चों, एक ही नंबर क्या है? 2 है। 2 का फैक्टर ऐसा कीजिए कि उन फैक्टरों के बीच में जो डिफरेंस आए 1 आए, जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आइए इनका क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं। तो 2 × 2, ये फैक्टर हुआ 2 और 1, इसमें क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो बच्चों एक चीज देखिए, फैक्टर करने के बाद अगर यह प्लस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में प्लस होगा तो आंसर हमेशा बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन में अगर यहीं पे माइनस होता तो आंसर आपकी हमेशा छोटी संख्या होती, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर प्लस है तो आंसर आपका बड़ा संख्या जो फैक्टर का है, क्वेश्चन में अगर माइनस है तो आंसर आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम जवाब जो निकालेंगे, हल निकालेंगे, तो क्या होगा बच्चों? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 2, क्योंकि ये प्लस का है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का ये सही है। देखिए कितनी आसानी से आपने हल कर लिया। एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए, देखिए कितनी जल्दी से आप कितनी स्पीड में हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन आप लोग का? इसी क्वेश्चन को मैं माइनस रूप ले लेता हूँ, √2 − √2 √2 − √2, और यहाँ पे क्वेश्चन माइनस के रूप का हो चुका है बच्चों, डैश 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 आप कर लीजिए इन्फिनिटी तक। और फिर क्या है यहाँ पे, मैं आप लोग को एक ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए में देखिए 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 4। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले क्या बताया, इसका आप कर लोगे फैक्टर, इसका जब आप फैक्टर करोगे तो 2 और 1 ही होगा। जब माइनस में है, माइनस में आए तो माइनस के लिए क्या करेंगे? फैक्टर का छोटा नंबर लेंगे, क्या करेंगे? छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर कितना है? 1 है। तो आंसर आपका क्या होगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है? सही है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से आप हल करते हो, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेके और अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों का क्या है बच्चों? √6, ठीक है, √6 + √6 + √6 · इनफिनिटी तक, यहाँ आप लोग का हो गया, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे कैसे? इनका डिफरेंस क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? फैक्टर निकालेंगे। लेकिन इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्या क्या है? 2, 3, 0, 1 ऑप्शन क्या है? ए पे ऑप्शन है आप लोग का 2, बी पे ऑप्शन है 3, और सी पे ऑप्शन है 2, 3, 1, और डी पे ऑप्शन है 0, ठीक है। ये क्या है बच्चों आप लोग का? 0, ये ऑप्शन है 2, 3, 1, 0 ऑप्शन है।
इनका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। थ्री का फैक्टर निकालिए, थ्री का आप फैक्टर निकाल सकते हैं जिसका डिफरेंस आना चाहिए वन। फैक्टर निकालेंगे जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए वन। मैं तो देखिए कितनी आसान है, कितनी आसान तरीके से हल कर रहा हूँ। तो बच्चों क्या होगा, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे सिक्स का, सिक्स का फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तीन दुना के छह, इनके बीच डिफरेंस वन का आ रहा है कि नहीं। तीन में से दो घटेगा तो एक आएगा, इनका डिफरेंस वन भी है तो आंसर क्या होगा, प्लस है। प्लस में बड़ी संख्या ली जाती है, अभी बताया हूँ प्लस के लिए बड़ी संख्या। प्लस में क्या करेंगे बच्चों, जहां पे प्लस होगा वहां पे हिंदी में लिख देता हूँ बड़ी संख्या लेंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे हम क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। क्लियर है? तो ये प्लस है तो बड़ी संख्या तीन है, तो आंसर आप लोग का क्या है, ये आप लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री आपने हल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इनको उनके पहले मैं इरेज कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछें, ताकि मैं अगली वीडियो में मेंशन करके आपको बता सकूं। किसी भी कंफ्यूजन का आपके सॉल्यूशन किया जाएगा आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। बच्चों एक चीज मैं आप लोग को याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, तो आपका कोई भी दोस्त हो, कोई भी आपका ठीक है बहुत ही परिचय वाला कोई भी स्टूडेंट हो जो परेशान हो अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आप उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनको आगे बढ़ने में आप हेल्प कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस सब्जेक्ट की मांग होती है हम अपने टीचर से वो सब्जेक्ट पढ़वा देते हैं और खुद भी पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का एक परिवार है, या एक चैनल ना समझिए, यह एक परिवार है और संयुक्त रूप से हम लोग का चलता है। आप भी इस परिवार के सदस्य हो, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि इस परिवार के बारे में कुछ सोचिए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए। तो बस दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर है, तो उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, सिक्स माइनस रूट सिक्स, ठीक है, माइनस रूट सिक्स डैश डैश डैश। बच्चों अब इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो, बहुत ही आसानी से कर, जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से। तब तक मैं इसका क्या लिखता हूँ बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, थ्री टू वन माइनस टू, ऑप्शन में है थ्री टू वन माइनस टू, थ्री बी ऑप्शन में है टू, सी ऑप्शन में है वन, और डी ऑप्शन में है माइनस टू। चलिए इनको हल करेंगे कैसे, सिक्स सिक्स का क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। सिक्स का फैक्टर करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, थ्री और टू, और इन फैक्टर के बीच का डिफरेंस भी वन है। डिफरेंस क्या बच्चों, वन है। जब वन है तो ये माइनस है, माइनस के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, तो सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर है। जल्दी जल्दी आप कर पा रहे हो, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे जल्दी जल्दी कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आप लोग का डिजाइन करके आया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग का यही है, सेम 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 क्वेश्चन है, सेम। जल्दी से उड़ाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से हल कीजिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग का क्या है, ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व प्लस रूट ट्वेल्व, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, रूट के अंदर है, ठीक है। इसके लिए मैं ऑप्शन आप लोग को दे देता हूँ, ए बी सी डी, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ए बी सॉरी चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी चार ऑप्शन है। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ क्या है, चार तीन जीरो एक, चार तीन जीरो एक, ऑप्शन आप लोग का क्या है बच्चों, चार तीन जीरो एक। अब बिल्कुल कोई कुछ नहीं करना है, इनका फैक्टर कर लेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उनका फैक्टर कर लेंगे। जल्दी से हल कीजिए, दिए हुए नंबर का फैक्टर कीजिए, ट्वेल्व है, फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, वन आना चाहिए। इनका हमने फैक्टर किया तो चार और तीन आएगा, चार तीन बारह, और इनके बीच डिफरेंस भी कितना है, वन है। तो दो संख्या एक बड़ी और एक छोटी संख्या हमें मिली हुई है। यहाँ पे देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस है तो क्या होगा बच्चों, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन है इसमें, देखिए फोर है, फोर फोर ऑप्शन में कहिए, यस ऑप्शन नंबर है आप लोग का सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर है आप लोग का क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से कर लिया बच्चों। एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ठीक है, एक मिनट में इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसा कर लीजिए, सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इसी को बनाइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग का क्या है, रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व माइनस रूट ट्वेल्व माइनस रूट ट्वेल्व, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रूट ट्वेल्व, रूट ट्वेल्व ट्वेल्व, यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी
डी बिल्कुल उड़ा है इसको एक सेकंड में, देखते ही क्वेश्चन कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं, देखते ही क्वेश्चन आप क्या कीजिए फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद ध्यान दीजिए कि ये प्लस है कि माइनस है, माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या और प्लस है तो बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर कितना आया हुआ है, चार और तीन, चार और तीन माइनस हुआ है तो छोटी संख्या क्या होगा, तीन। ऑप्शन हमने आप लोग को दिया ही नहीं था, मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग को, तीन दो चार जीरो, तीन दो चार जीरो, छोटी संख्या क्या है बच्चों, तीन है, माइनस है तो छोटी संख्या ही रखेंगे तो तीन। ऑप्शन नंबर है आप लोग का सही है। तो इस तरह से छह क्वेश्चन आपने कर लिया, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में। इनको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को क्या करूं बच्चों, और क्वेश्चंस को बता सकूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इरेज करके और क्वेश्चंस को बताता हूं बच्चों। देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी, इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी हमारे हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चंस को किया था बच्चों, छह क्वेश्चंस, ठीक है, छह क्वेश्चंस को आपने कर लिया। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर सात। चलिए क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सात आपके लिए आया हुआ है बच्चों, रूट ट्वेल्व प्लस, रूट ट्वेल्व प्लस, चलिए 12 वाला हो गया 20, ठीक है, रूट 20। क्वेश्चन नंबर सेवन रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20, रूट 20। ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके हैं बिल्कुल एक ही टाइप के, देखते ही आपको उड़ा देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर तो बहुत दूर की बात हो गई बच्चों, कॉपी पेन की जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ऑप्शन पूछो कि सर ऑप्शन क्या है, तुरंत आंसर बताओ, मैं ऑप्शन बताता हूँ आंसर आप बताओ, जल्दी से बताओ। पांच चार तीन एक, पांच चार तीन एक, पांच चार तीन एक, बच्चों ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है, जैसे ही आपने देखा तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि क्या है बच्चों, नंबर क्या है, नंबर क्या है 20, तुरंत नंबर को लिखिए, नंबर को लिखने के बाद दिमाग में अपने तुरंत क्या होना चाहिए, फैक्टर हो जाना चाहिए। फैक्टर क्या होगा इसका, फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच डिफरेंस वन है, ठीक है, फैक्टर कैसा होना चाहिए कि उनके बीच डिफरेंस क्या है, वन है, तो पांच चौको बीस, क्लियर हो गया। पांच और चार के बीच डिफरेंस भी वन का है, पांच और चार के बीच डिफरेंस कितने का है बच्चों, वन का है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करेंगे किस तरह से बच्चों, अगर प्लस दिया हुआ है तो आंसर आपकी बड़ी संख्या। सो यहाँ पे आंसर नंबर वन इज राइट, ठीक है, यहाँ पे क्या है आप लोग का ऑप्शन नंबर वन इज राइट है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर वन इज राइट। इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बिल्कुल हल कर पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट यहीं पे उसी इसी क्वेश्चन से बना दिया जाएगा, 20 माइनस रूट 20 इस तरह से हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग को देता हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शन हमने आप लोग को दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, एफ सी बी सी डी, कोई भी ऑप्शन दे दूंगा आप लोग को, पांच चार तीन दो, ठीक है, पांच चार तीन दो एक, यहाँ पे चार पांच मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चार पांच दो एक कुछ भी लिख दीजिए, ऑप्शन बस होना चाहिए सही वाला। बच्चों क्या करेंगे आप, यहाँ पे इनको इन्फिनिटी तक ले जाना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत हुआ, इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी आपका क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, 20 का फैक्टर कीजिए, 20 का फैक्टर कितना होगा, 5 और 4 होगा, माइनस दिया हुआ है, माइनस के लिए हम छोटे संख्या को ये आंसर मानेंगे, छोटी संख्या क्या है, 4 है, ऑप्शन आप लोग का 1 सही है, ए सही है, ऑप्शन आप लोग का ए सही है बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया, आइए पहले इनको इरेज करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। गर्मी कुछ ज्यादा ही है आजकल हम लोग के यहाँ, ठीक है, जिसकी वजह से इतनी आप लोग को दिख रहा होगा कि पसीना पसीना हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ाने पे, तो आप परेशान ना होइएगा, आपका पूरा क्लास चलेगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेरी हो तो आप हमसे बिल्कुल पूछिए, ठीक है, हम इसका आंसर जरूर आपको बताएंगे। चलिए बच्चों ये हो गया आप लोग का, तो क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके थे, 8 हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर नौ क्या है, रूट 72, ठीक है, रूट 72 है आप लोग का क्वेश्चन नंबर नौ आप लोग का क्या है बच्चों, रूट 72 प्लस 72 प्लस 72 है आप लोग का 72 डैश डैश डैश। अब यहां पे क्या है बच्चों, ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन क्या है आप लोग का, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन में दे देता हूं 1 2 9
8, ये आप लोग के पास ऑप्शन ऑप्शन है बच्चों, बताइए राइट आंसर क्या है। अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा इसका, तुरंत नंबर का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 72 का फैक्टर करो, ठीक है 72 का फैक्टर करो, 9 बटे 72, 9 और 8, 9 और 8 इनके फैक्टर हो रहे हैं, इनके बीच डिफरेंस भी 1 का है, डिफरेंस भी कितने का है बच्चों 1 का है, तो आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या होगी क्योंकि ये प्लस है, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर आपकी हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से हल कर पा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप देख पाओगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, √72 माइनस √72 ये आप लोग का क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है सारे क्वेश्चन बच्चे, √72 √72 √72 लेकिन माइनस में है, माइनस में पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या है, A B C D, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 4 9 8, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चे, 4 ऑप्शन है, माइनस में आया है, माइनस में तो छोटी संख्या आएगी 8 8 8 8, यहाँ पे आप लोग का ये सही हो गया, ठीक है यहाँ पे आप लोग का क्या हो गया बच्चों, सही हो गया, यहाँ पे 8 आप लोग का राइट आंसर है क्योंकि वहां पे आपकी छोटी संख्या दी गई है, क्योंकि छोटी संख्या क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, छोटी संख्या इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सो हम इसको पहले इरेज करते हैं तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद मैं टाइप चेंज करने वाला हूँ, टाइप 2 चलेगा, अभी टाइप 1 चल रहा है बच्चों, क्या चल रहा है टाइप 1, इसके बाद हम चलेंगे टाइप 2 पे, क्या करेंगे बच्चों टाइप 2 को हल करेंगे, टाइप 2 के बाद हम चलेंगे टाइप 3 पे, इस तरह से हमारी टाइप्स बढ़ती चलेंगी, ठीक है टाइप्स हम अपनी बढ़ाते चलेंगे और इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए टाइप 1 में एक क्वेश्चन और हम रख लेते हैं बच्चों, टाइप 1 में एक क्वेश्चन और रख लेते हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन को हम क्या ले लें, चलिए √110 माइनस √110, ठीक है ये कहां तक होगा बच्चों, इन्फिनिटिव तक होगा। ऑप्शन में आप लोग को दे देता हूं, A B C D, 4 ऑप्शन आप लोग को मैं देता हूं, ठीक है यहाँ पे 9 8 10 11, 4 ऑप्शन है आपके पास बच्चों, 4 ऑप्शन है, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर कितना होगा, फैक्टर करके फटाक से देखिए आप, 110 फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उनके बीच डिफरेंस बना है, तो 110 है आप लोग का, इनका फैक्टर जब करोगे तो 10 और 11 इनके बीच डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस 1 का है, माइनस का साइन लगा हुआ है, आंसर क्या होना चाहिए, माइनस का साइन लगा है तो आंसर छोटी संख्या होनी चाहिए, तो आप लोग का आंसर सही है। सो बच्चों यहाँ पे टाइप अब हम चेंज करेंगे, टाइप नंबर 2 पे चलेंगे, टाइप सेकंड में बच्चों सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने लेकर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, √3 √3 √3 इंडिफिनिट तक, यहाँ पे क्या है बच्चों अनंत तक है। अब एक चीज आप देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस या माइनस हुआ करता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ना प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है, ये आप लोग का टाइप सेकंड है बच्चों, टाइप सेकंड में हम यही पढ़ेंगे √3 √3 √3, यानी कि कुछ इस तरह का होगा बच्चों, किस तरह से होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा, √a अगर हम इनको a माने, √a इन्फिनिटी तक, तो बच्चों जो हमारा मान आता है वो भी आंसर जो हमारा आता है वो भी आता है a, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी वही आंसर होगा, तो यहाँ पे संख्या क्या है 3, तो आंसर क्या होगा 3, सिंपल सा है ना। टाइप सेकेंड में आप देखिए क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए जो इनकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इनका डिफरेंस 1 नहीं आएगा, पहली चीज समझिए डिफरेंस 1 नहीं आएगा, जब आप इनका फैक्टर करोगे तो डिफरेंस 1 नहीं आएगा, तो उसके लिए जो है हमारा फार्मूला है जो शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, √a 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 इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर भी आ जाएगा आप लोग का ए आ जाएगा बच्चों, आंसर आप लोग का आ जाएगा ए, तो आंसर में आप लोग का क्या है 3, संख्या 3 है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में हमने ऑप्शन दिया हुआ है क्या है 2 3 1 और एन और टी, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, लेकिन तीसरा आप लोग का आंसर आप लोग का सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का
ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है, रूट सेवन रूट सेवन रूट सेवन इन्फिनिटी तक है बच्चों, इन्फिनिटी तक। ऑप्शन देता हूँ, तुरंत उड़ाइए आंसर आप लोगों, आप क्या आप तो पता ही चल जाएगा। फोर, ठीक है, बी नंबर पे फाइव, सी नंबर पे सिक्स और डी नंबर पे सेवन। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल कुछ नहीं। इनके बीच क्या होगा, इनकी जो वैल्यू होगी वो कभी भी डिफरेंस वन नहीं होगा। सो तो हम किस जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, जो संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर होता है, एक ही जगह पे सेवन ऐसे आप लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर चौदह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौदह में क्या दिया हुआ है उनको समझिए। क्वेश्चन नंबर चौदह, क्वेश्चन नंबर चौदह रूट सेवन के बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है रूट नौ। क्या है बच्चों, रूट नौ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट नौ, रूट नौ रूट नौ इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हो, इसको इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। जब इन्हें इन्फिनिटी तक लिख सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या है, ए बी सी डी। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आप लोग का तीन है, दो है, नौ है, एन ओ टी है, यानी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आप लोग का आंसर, क्या होना चाहिए आंसर बताइए आप लोगों में, आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आप लोग आंसर बता रहे हैं, नाइन होगा। क्या होगा बच्चों, नाइन होगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा था कमेंट बॉक्स में बिना सोचे समझे आप लिखिए, हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, यहाँ पे आप लोग का रूट नौ रूट नौ रूट नौ ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर चौदह। आइए देखते हैं किसी और क्वेश्चन को, ठीक है। उसके पहले मैं इनको क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इनको हमने क्या कर लिया बच्चे, इरेज कर लिया इस क्वेश्चंस को। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। अब तक हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिया है बच्चों, तेरह क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। टाइप सेकंड में तेरह चौदह क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। कितने पढ़ लिए बच्चों, टोटल चौदह क्वेश्चन पढ़ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पंद्रह, क्वेश्चन नंबर पंद्रह आप लोग का दिया हुआ है बच्चों रूट तेरह। कितना दिया हुआ है, रूट तेरह रूट तेरह रूट तेरह रूट तेरह। इस तरह का क्वेश्चन है आप लोग का, इन्फिनिटी तक जाएगा, इनके बीच प्लस और माइनस कुछ नहीं, लेकिन इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो भी वन नहीं आएगा फैक्टर का डिफरेंस। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। ऑप्शन को चेक करेंगे बच्चों, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन देखिए बारह तेरह दो जीरो। ऑप्शन क्या होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, बिना कॉपी पेन उठाए बिल्कुल हल करो तुरंत। क्या बताया हूं अभी, जब इस तरह से रूट ए रूट ए रूट ए इस तरह से इन्फिनिटी तक, उसका आंसर भी आना चाहिए। तो एक जगह पे तेरह है तो आंसर क्या होगा आप लोग का, तेरह। देखिए कितनी आसानी से हल हो रहा है, यही होती है मैथ। मैथ डरने वाली चीज नहीं है बच्चों, बिल्कुल आराम से करने की चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया कितने क्वेश्चनों को बच्चों, पंद्रह क्वेश्चनों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप थर्ड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड बच्चों, टाइप थर्ड में इस तरह के क्वेश्चनों को रखा गया है। टाइप थर्ड में इस तरह के क्वेश्चनों को रखा गया है, इफ वाई इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री डैश 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 इन्फिनिटी देन वाई इक्वल टू व्हाट। यानी कि बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाई बराबर इतना दिया गया था। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो वही चीज सेम है जो क्वेश्चन इसके पहले हम टाइप वन में पढ़े थे, लेकिन उसमें जो संख्या आ रही थी बच्चों, वो संख्या क्या थी, उनका डिफरेंस वन आ सकता था, ठीक है। जो फैक्टर हम करते थे उनका डिफरेंस वन आ सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका फैक्टर करने पर डिफरेंस वन नहीं आएगा इतनी आसान। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें एक दूसरे तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको टाइप थर्ड बनाया है। टाइप फर्स्ट ऐसा ही था लेकिन उनका डिफरेंस वन आता था, लेकिन इनका डिफरेंस वन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे टाइप थर्ड बन रहा है। और टाइप टू में आपने पढ़ लिया था कि मल्टीप्लीकेशन की बार बार क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी इन्फिनिटी तक। तो बच्चे यहाँ पे टाइप नंबर थर्ड पे आइए, हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दे तो प्लस में हो तो संख्या को आगे की तरफ बढ़ाते हुए उनका फैक्टर करते हैं,
संख्या को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, जैसे क्वेश्चन आप लोग का क्या था बच्चों, ऑप्शन ऑप्शन मिला ना एक बार, सही हमने लिखा है ऑप्शन, ठीक है ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हो गया आप लोग का प्लस का, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम संख्या को आगे की तरफ बढ़ाते हुए उनका फैक्टर चेक करेंगे। संख्या तीन है, तीन तीन संख्या तो ऑलरेडी हमारी है चार, आगे अगर इसके जाएंगे प्लस साइन होगा तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ लिखता हूँ बच्चों, अगर प्लस साइन होगा क्वेश्चन में तो आगे की तरफ क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन साइन वही माइनस हो तो हम क्या करेंगे, उनको बैकवर्ड बढ़ाएंगे। जैसे प्लस का साइन होगा तो तीन के बाद चार पांच छह सात आठ, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और माइनस का साइन होगा, मान लीजिए माइनस सात है तो उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, छह पांच चार तीन दो एक, इस तरह से। तो यहाँ पे चार के बाद प्लस का साइन है तो क्या बनेगा, तीन के बाद क्या होगा बच्चों, चार, चार का फैक्टर कीजिए टू टू। यहाँ पे इनके बीच डिफरेंस वन आया क्या, नहीं, तो यहाँ पे इसका ये नहीं होगा। उसके बाद पांच, ठीक है पांच का फैक्टर कीजिए क्या आएगा, फाइव और वन, इनके बीच डिफरेंस वन आया क्या, नहीं आया। उसके बाद फाइव के बाद क्या होगा, सिक्स, सिक्स का फैक्टर कीजिए थ्री और टू, तीन दुना के छह, डिफरेंस वन आया, यस डिफरेंस वन आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो लाई करेगी टू और थ्री के बीच में, जो इसका मान होगा टू और थ्री के बीच में होगा, टू और थ्री के बीच में इसकी वैल्यू क्या करेगी बच्चों, लाई करेगी। यहाँ पे ऑप्शन में टू और थ्री के बीच में वाई की वैल्यू लाई कर रही है, यहाँ से देखिए वाई बीच में है, टू और थ्री के बीच में वाई की वैल्यू क्या कर रही है, लाई कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आप लोग का, ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन, अब तो आप उड़ा दोगे बच्चों, क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा दोगे। प्लस का साइन है, प्लस के साइन के बाद पांच एक ऐसी संख्या है जिसका डिफरेंस वन नहीं आता, तो प्लस का साइन है तो आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे। तो पांच के बाद क्या आएगा, छह, छह का डिफरेंस कितना होगा, तीन और दो, बिल्कुल इनके बीच डिफरेंस आ गया, तीन और दो के बीच इसकी भी वैल्यू लाई करेगी, तीन और दो, दो और तीन के बीच बिटवीन, बिटवीन वैल्यू लाई करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी आपने हल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इस टाइप का और कोई क्वेश्चन है क्या, अगर इस टाइप का और कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोग को हल करवा देता हूँ, ठीक है इस टाइप के और कोई क्वेश्चन है तो हल करवा देता हूँ। बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन है, पहले मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, क्या करता हूँ इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को हल करवाता हूँ, ठीक है। तो टाइप नंबर थर्ड आप लोग समझ पा रहे हो क्या कहने का मतलब है, टाइप नंबर थर्ड में क्या है बच्चों, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए टाइप नंबर थर्ड आप लोग समझ गए, तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप फोर, क्या पढ़ने वाले हैं टाइप फोर। टाइप फोर में बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इससे अलग, लेकिन एक क्वेश्चन अभी इसका आ गया, टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन आ गया, उनको पहले मैं करा लेता हूँ। टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन क्या है बच्चों, रूट सेवन है, ठीक है क्या है, ओ कितने क्वेश्चन हुए थे, ठीक है क्वेश्चन नंबर कितने हुए थे, 17, चलिए जो भी हो मैं क्वेश्चन नंबर 18 डालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 आप मिलाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लाए हुए, यहाँ पे देखिए रूट सेवन प्लस रूट सेवन प्लस रूट सेवन, ठीक है, और यहाँ पे डैश 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 इनफिनिटी तक, यहाँ पे भी जो सात है इसकी वैल्यू, पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ बच्चों, ऑप्शन ए और बी सी डी, तीन ऑप्शन चार ऑप्शन में आप लोग का लिख देता हूँ, ऑप्शन आप लोग का तीन चार लिख देता हूँ, ठीक है वन, ठीक है यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का क्या है वन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है टू और थ्री, टू और थ्री के बीच में टू, और ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है थ्री और फोर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है वन माइनस वन, ये आप लोग के ऑप्शन नंबर चार आ चुके हैं। तो इनको क्या करेंगे, सेवन सेवन प्लस में है तो आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेके जाएंगे, सेवन प्लस में तो आगे की तरफ क्या होगा, सेवन के बाद क्या आएगा बच्चों आठ, आठ का फैक्टर कीजिए तो क्या होगा फोर और टू, डिफरेंस वन आया गया, नहीं आठ नहीं। उसके बाद क्या करेंगे नौ, नौ का जो क्या होगा फैक्टर तीन तीन के नौ, इनका डिफरेंस आया क्या, नहीं आया वन, ठीक है। दस करेंगे दस का दो पच्चे दस, इनके बीच डिफरेंस वन आया क्या, नहीं है। उसके बाद ग्यारह का करेंगे, ग्यारह कितना होगा वन और इलेवन, ग्यारह कम ग्यारह, इनका डिफरेंस वन आया क्या, नहीं आया।
उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 12 का करेंगे, 12 का क्या होगा, 3 और 4, 3 चौको 12, बिल्कुल 4 3 एक डिफरेंस आ चुका है। तो इसकी वैल्यू जो लाई करने वाली है, किसके बीच लाई करने वाली है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच y की वैल्यू लाई कर रही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑफ योर इज करेंट। आप लोग का क्या बचा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 के बीच में y की वैल्यू लाई कर रही है। यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच में यहाँ पे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, इफ y इक्वल टू, ठीक है इतना, सो देम y इक्वल टू व्हाट, देम y इक्वल टू व्हाट, इतना आप कर सकते थे। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। तो आपसे जो आप लोग का टाइप थर्ड था यहाँ पे समाप्त हो जाता है, अब टाइप 4 पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे टाइप 4 के क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, ठीक है, पहले इनको इरेज करते हैं। अगर कोई आप लोग को बच्चों क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आपकी ना रह जाए। टाइप 4 अब हम पढ़ने वाले हैं, टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर भी आप लोग को क्या करना चाहिए बच्चों, टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 हम पढ़ने वाले हैं। आज का क्वेश्चन पहला देखते हैं इस टाइप 4 का, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कितना आ चुका है आप लोग का, 18 हुआ था, चलिए जो अभी हुआ था, ठीक है, 19 होगा, 18 हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का है क्या, रूट टू, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मल्टीप्लीकेशन में तो असंख्या है, किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में असंख्या तो है, बट यह संख्या बच्चों मल्टीप्लीकेशन के बाद देखिए अनंत तक नहीं गई हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 2 7/8 ऑप्शन ए, 2 7/8 ऑप्शन बी, में क्या है, 2 8/7, 2 8/7 ऑप्शन सी, में क्या है बच्चों, 2 75/16, 2 75/16 एंड ऑप्शन नंबर डी, आप लोग का क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या दिया हुआ है पहले। तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है बच्चों 7/64, 2 7/64, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अब ये समझिए, टाइप 4 में इस तरह के क्वेश्चनों को बच्चों हल करने के लिए, आइए मैं सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ कि टाइप 4 में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे रूट टू इक्वल टू व्हाट, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए संख्या क्या है, संख्या इसमें क्या है बच्चों, उस संख्या को लिखिए, यहाँ पे संख्या आपकी क्या है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे अंश भार तो आप जानते ही हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि घात देखना उस संख्या के ऊपर, अब घात क्या होगी, तो 1 2 3, 2 के पावर क्या कर लेंगे, 3, उसके बाद 1 घात घटा के -1 करके ऊपर लिखेंगे इसके अंश में, तो 2 के पावर 3 है, -1 कर लेंगे, क्लियर है। एक बार उस संख्या को लिख लीजिए, संख्या आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, एक बार इस संख्या को लिख लीजिए, संख्या को लिखने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए कि संख्या 1 2 3 कितनी बार है, तो 2 के पावर उतना कर लीजिए जो संख्या दी गई है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 के पावर 3 में से -1 हमेशा कम कर दिया जाए, चाहे कोई भी रहे, यहाँ पे रूट और क्या था, 2 होता था, 2 के पावर 4 हो जाता, तो उसमें से -1 आप कर देते, तो यहाँ अब हमें क्या मिलेगा बच्चों, 2 के पावर, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलने वाला है 2 के पावर 3,
टू के पावर थ्री और यहाँ पे टू के पावर थ्री माइनस वन, तो टू के पावर थ्री का मान कितना होता है, टू के पावर थ्री का मान होगा टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि दो दुना के चार दुना के आठ, यानी कि आठ के बराबर होगा। तो यहाँ पे टू के पावर थ्री माइनस वन यानी कि आठ माइनस वन है, आठ माइनस वन का मतलब हुआ सात। तो यहाँ पे टू के पावर कितना हुआ सेवन, अब बाई टू के पावर थ्री, टू के पावर थ्री का मान कितना आया था, दो दुगुने चार दो चौको आठ, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, दो दुना के चार और चार दुना के आठ, यानी टू के पावर एट बाई सेवन बाई एट, ये आप लोग का आंसर हुआ, टू के पावर सेवन बाई एट, ये आप लोग का राइट आंसर है। दिस इज योर राइट आंसर, टू के पावर सेवन बाई एट, टू के पावर सेवन बाई एट आप लोग का क्या है बच्चों, सही जवाब है, सही आंसर आप लोग का है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी आप हल कर लोगे, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ, इस तरह की जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है कि उस संख्या को एक बार लिख लेनी है, उस संख्या को लिखने के बाद क्या करना है, उसकी घात देख लेनी है, एक दो तीन वो संख्या तीन बार आई हुई थी तो उसमें माइनस वन कर दीजिएगा उसके ऊपर, तो टू के पावर थ्री माइनस वन कर दिया तो थ्री माइनस वन, टू के पावर थ्री का मान आया था आठ, आठ में से एक घटा दिया तो मान आ गया सात, और टू के पावर थ्री का मान आया हुआ है आठ, इसका मान यहाँ पे सात बटे आठ, टू के पावर सात बटे आठ इसका आंसर आ गया था, ठीक है। टाइप नंबर पांच, टाइप नंबर पांच में बच्चों हम क्वेश्चन जो लेकर आए हैं बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन लेके आए हुए हैं टाइप नंबर पांच में। तो अभी तक आपने चार टाइप पढ़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से और गाइड कर सकूं, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो आपका मैथ पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ पूछा जाता है। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें करना है क्या कि इस क्वेश्चन को हल करना है टाइप नंबर पांच में, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखकर अजीब लगेगा, यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास आठ है, क्या है बच्चों आठ, तो इनका जब हम इस तरह से क्या करेंगे फैक्टर, तो टू 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 इस तरह से हो सकता है, तो क्या होता है बच्चों की क्यूब रूट में तीन का एक जोड़ा बनाया जाता है, क्या होता है तीन का एक ही जोड़ा बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो टू का क्यूब रूट है वो कितना आता है एट, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम इस क्यूब रूट को हटा दें यहाँ से तो हमें सिर्फ यही पॉइंट टू मिलेगा, चलिए पूरे पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट क्या है पूरे पे है, तो हम इनको क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, तो जब हल करेंगे क्या करेंगे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों की छोटी छोटी आप गलतियां कैसे करते हैं दशमलव में, देखिए मैं इसमें बताता हूँ। तो क्या करेंगे इस क्यूब रूट को हटा देंगे तो तीन है इसका एक ही जोड़ा बच जाएगा, तो पॉइंट टू क्या मिलेगा पॉइंट टू, प्लस का साइन है बच्चों यहाँ पे जोड़ लेते हैं कितना वन टू थ्री, यहाँ पे भी तीन है तो एक ही जोड़ा इसका भी मिलेगा पॉइंट जीरो फोर, पॉइंट जीरो फोर, अपान में क्या है बच्चों पॉइंट फोर, ये भी तीन बार है तो इसका भी एक ही बार लिखेंगे पॉइंट फोर, प्लस यहाँ पे देखिए ये भी तीन बार है एक दो तीन, इनको भी हम एक बार लिख लेंगे जीरो दशमलव जीरो आठ, इतना लिख लिए। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बच्चों, तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, देखिए दशमलव में आप किस तरह से जोड़ते हो तो गलती कर देते हो, यहाँ पे है जीरो दशमलव दो पहले पॉइंट में और उसमें जोड़ना क्या है जीरो दशमलव जीरो चार, आप यही गलती कर देते हो कि दो में आप चीज को जोड़ देते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा फोर और जीरो कितना हो जाएगा बच्चों फोर, टू जीरो टू और पॉइंट इधर, यानी कि पॉइंट टू फोर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद इसका आंसर आएगा पॉइंट टू फोर। अपान में उसी तरह से इनको जोड़ेंगे जीरो दशमलव चार और जीरो दशमलव जीरो आठ, आपको समझने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से जीरो दशमलव चार, जीरो दशमलव चार और प्लस में क्या होगा जीरो दशमलव जीरो आठ, ये होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या ने जीरो मानी है तो आठ और जीरो कितना हुआ आठ, ठीक है, उसके बाद चार जीरो चार यहाँ पे दशमलव आपका फोर्टी एट पॉइंट फोर एट, पॉइंट फोर एट आ गया, यहाँ पे जीरो दशमलव जीरो आठ आ रहा है, क्या आ रहा है जीरो दशमलव चार आठ, यहाँ पे दशमलव से दशमलव काट दीजिए ट्वेंटी फोर
टू जा 48, यहाँ पे क्या हुआ बच्चे 1/2 यहाँ पे आया है। 1/2 को अगर और हल करना चाहे, आंसर हमारा 1/2 आ चुका है, इसको और हल करना चाहो आप तो 2 से 1 में क्या कर दोगे बच्चों, 2 से 1 में आप कर दोगे डिवाइड, ठीक है भाग दे दोगे, तो 2 से 1 में भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों 0.5। 2 से 1 में भाग दीजिए, 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाओगे, पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपका 0 बढ़ेगा, 2 5 जा 10, यहाँ पे आंसर जो आप लोग का आएगा 0.5 यहाँ पे आप लोग का क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है। सो बच्चों टाइप 5 भी आपकी खत्म हो गई। तो आज हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 तरह के टाइपों को पढ़ा है इस मैथ में, और आज हमारा सरलीकरण का चैप्टर भी खत्म किया जाता है। नेक्स्ट दिन एक नया चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे बच्चों। इन 5 टाइप में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछें, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जाके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं ताकि डेली का अपडेट जो होता है चाहे वो PDF का हो या फिर वीडियोज का हो वो आपको मिलता रहे, ठीक है। टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ जाइए, फेसबुक पेज से हमारे जुड़ जाइए, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बच्चों एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, प्लेलिस्ट से मैथ की जो शॉर्टकट वीडियो जाए या शॉर्टकट तरीके पे जो मैं आप लोग को वीडियो बनाता हूँ, शॉर्टकट के साथ मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल बेझिझक अच्छे तरीके से आप मैथ की तैयारी कर सको, किसी भी एग्जाम में आप मैथ को बीट कर सको। बच्चों एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि आज सरलीकरण जैसे ही खत्म हो रहा है, मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और उस नए चैप्टर में भी मैं शॉर्टकट ट्रिक से ही आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। एलजेब्रा का चैप्टर होगा और एलजेब्रा के चैप्टर में मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोज को समझाकर पढ़ाने वाला हूं। तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर अच्छी तरह से देखिए, और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा कि NCERT के किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल का लिंक उन्हें दीजिए, आप हमारे चैनल के बारे में उन्हें बताइए ताकि उनका भी भला हो सके, और इस चैनल के आप एक सदस्य हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी निभाइए, इस चैनल यानी कि इस परिवार को बड़ा होने में आप सहयोग कीजिए। आप जब इस परिवार का थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देते हैं वीडियो के नीचे तो और अच्छा लगेगा हमें कि हमारी मेहनत का बच्चों को क्या है, कुछ फायदा हो रहा है। एक प्यारा सा आप कमेंट कर दीजिए किसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी अच्छा लगे और मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।